आप सबको मेरा नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है स्कॉट्स के ऊपर, और आज है टेपर वीक का डे टू। और अभी मैं जस्ट ना के आया हूँ बाहर, और अभी खाने वाले हैं पराठे जो मैं बहुत टाइम के बाद खाने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने ना ही मेरा ब्रेकफास्ट या फिर कोई भी मील लिया है, और मैं काफ़ी लेट उठ 1 बजे उठा हूँ मैं तो अभी। और मैं जिम भी आज दोपहर को ही जाने वाला हूँ। हाँ, तो अभी ओट्स खा के निकल चुका हूँ जिम के लिए, और अभी जिम 4:30 बजे निकल रहा हूँ। देखते हैं सब तो होता है, वर्कआउट आज ज़्यादा है नहीं, वर्कआउट डेड और बेंच है बस। और डेड में भी बस वो ओपनर लेना है, और उसके बाद बेंच में कुछ सेट है तो फटफट हो जाएगा। तो आई होप सो 7-8 बजे तक घर पे आ जाओ, वरना कल रात को मैं लेट आ गया था घर पे कुछ 10-11 बजे। तो मम्मी चिल्लाने लगी थी, और रात को वर्कआउट करना जमता भी नहीं, क्योंकि पूरा बॉडी अभी तक मेरा दुख रहा है, लाइक मेरे जो कॉर्ड्स है वो दुख रहे बस, बाकी कोई मेजर पेन नहीं है। बट स्टिल मेरे को चाहिए था कि मैं पूरा रिकवर होके जाऊँ, लेकिन अभी है नहीं वैसा। तो जैसे भी है लेट्स गो। कल ही स्क्वाट किया और आज डेड के लिए जा रहा हूँ। धन्यवाद। तुम्ही असले की वादच वाद आहे। बेल्ट भूल गया था आजकल, भूलने की आदत बहुत लग गई है। काफ़ी हद तक मैं बेल्ट वगैरह भूल ही जाता हूँ कभी कभी, लेकिन अभी सब कुछ लिया। एक बार फिर से मम्मी को फ़ोन करके पूछ लूँगा कि कुछ रह तो नहीं गया। One hour later. तो वार्म अप हो गया, अभी बस स्क्वाट्स और हैमस्ट्रिंग थोड़ा बाकी है, और उसके बाद डायरेक्ट डेड में लग जाएंगे अपन। तो लेट्स गो, देखते कैसा जाता है। वार्म अप हो गया सब, अभी डेड की ओर जा रहा हूँ। और डेड में अभी 70, 120 के बाद मे बी 140 या फिर 160 लेके लास्ट वार्म अप रहेगा 180, और फिर उसके बाद 200 के लिए जाऊंगा। तो बीच में कुछ बताने जैसा रहेगा तो बता दूंगा, वरना फिर सीधा मतलब जो भी है वो वर्कआउट आपको दिख जाएगा। अभी ये जो मैं ले रहा हूँ 180, तो एक टाइम पे 180 मेरा पीआर था, लेकिन अभी वो वार्म अप बन रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है उसमें ख़त्म होते होते मेरा जो पीआर था वो वार्म अप बन गया, और 200 भी मैंने पहले मार दिया। तो अभी लेट्स गो, देखते हैं 180 कैसे जा रहा है, कितना स्मूथ जा रहा है। और अभी हल्का हल्का लोअर बैक में भी पेन है, तो लेट्स सी। अभी रोहन का भी फ़ोन आया था, तो उसके पास बाम है, तो अगर तो वो आ रहा है जल्दी पीआर नहीं मतलब जो ओपनर है वो लेने से पहले, अपन जाते हैं 180 के लिए। तो बताना 180 कैसे जा रहा है, स्मूथ जा रहा है, वॉर्म जैसा जा रहा है, या स्ट्रगल करके जा रहा हूँ। तो तो
लेट्स गो। अभी 180 का मीडियम, ज़्यादा भी इसी नहीं, ज़्यादा भी हार्ड नहीं, तो लेट्स गो फॉर 200। और अभी 200 कैसा जाएगा देखते। 200 है लोड। रोहन कैमरामैन इज बैक। 200 है लोअर बैक पे। थोड़ा बहुत वार्म अप के टाइम पता नहीं पेन था, बट उसको अवॉइड करके वी विल हिट 200 एकदम स्मूथली, जैसे मैंने पहले मारा था। अगर आपको देखना है मैंने पहले कैसे मारा था तो इंस्टाग्राम पे देख लेना, वहाँ पे मैंने डाला है वीडियो। और कुछ नहीं, अभी मारते हैं बस। बस आता बंद कर। मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये 200 में जो अभी इतना सोच रहा है ना, मैं 180 मार चुका हूँ मेरे 6th वीक पे, तो मेरा 16th पे मेरा 200 जाएगा आराम से। इसको इतना नहीं समझ रहा है 200 कुछ नहीं है। उस दिन 200 मारा, 205 बोल रहा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इज्जत खराब हो जाएगा मेरा। ट्राई तो कर, दूसरे के लिए जी मारा क्या तू? हम लोग हेड और टेल करते हैं। हेड आणि टेल म्हणजे, टेल म्हणजे 205, हेड मध्ये 200। तो अभी 205 आने वाला है। 205 205। अभी मैं क्या करूंगा, एंकरिंग करूंगा, ये डेडलिफ्ट मारेगा ना, हाँ अभी मैं वो करूंगा बस, और कुछ नहीं। पकड़े मेरे को माइक लगाने दे। जैसे मेरे वीडियो में आपने देखा रहेगा, बहुत बार मैंने इसका एंकरिंग किया है, वो भी स्क्रिप्टेड। इधर इधर माइक, इधर जो मैंने किया है वैसा सेम हुआ है, ठीक है। चाहिए तो आप देख सकते हो कौन सा भी वीडियो। जाने दो बक्षोदी तू, अभी फोकस ऑन 205 लोड है यहाँ पे, तो 50-50 है। 50-50 नहीं, मतलब दिमाग में तो है पूरा मारना है करके, दिमाग में तो है पूरा मारना है। 205 और हमारा हेड या टेल हुआ था, और ये देखते हैं ये ए ए ए ए एक, चलो चलो चलो, गया गया गया, हगा गाइस हगा। अभी जो लिया था मैंने 205 वो गया नहीं सही से, तो अभी 5 किलो कम करके वी विल हिट 200 जो पहले से मेरे दिमाग में था। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke. Many, many minutes later. The food is on guard. तो अभी वर्कआउट डन हो गया। बेंच लिया 95 था, लेकिन मैंने 100 लिया, और 4 सेट था और एक एक रेप था, तो उसका मैंने ज़्यादा देर लग जाता, तो मैंने कितना 3 मिनट में उसको कर दिया, 4 सेट एक एक रेप, 100 का ले लिया बेंच। और बात करते हैं डेड का, तो डेड में वार्म अप तक सब सही था, मैंने डेड में वार्म अप सही लिया। जब मैं एक्चुअल में उसको परफॉर्म करने गया तो 180 थोड़ा मुझे पता नहीं, मतलब मीडियम लग रहा था, ऐसा नहीं कि हैवी लग रहा था या फिर लाइट लग रहा था, मीडियम लगा, ऐसा कुछ लगा नहीं जिससे कि मैं का है ओपिनियन मागितलंच नाही भाव त्याचा। हा 2 मिनिट मला तरी बोलू दे। और फिर प्लस मुझे 2 दिन से, मतलब अभी कल भी लिया और आज भी लिया, तो कल भी हैवी लिया आज भी हैवी था, तो इस वजह से मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि मैं ज़्यादा खा के आऊँ,
ज़्यादा खाने की वजह से फूला हुआ था, तो मे बी उस वजह से हंगर लेवल भी ऊपर नहीं नीचे नहीं ऐसा कि अच्छा परफॉर्म होता, पेट थोड़ा भरा हुआ था तो इस वजह से मुझे गया नहीं, या फिर बॉडी भी ठंडा होने लगा था। रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन अभी डेड गया नहीं तो वी कांट डू एनीथिंग। अभी रोहन का ओपिनियन हम सुनते हैं। कि मैं जैसा देखूँ उसने आज कैसा मारा प्रेम ने, जो अपना प्रोग्राम में जो परफॉर्म करता ना जैसा सेट जैसा वेरिएशन उस हिसाब से नहीं मारा। आज ये 200 ऐसा ले रहा था ना कि इसका ये 100% है, इसको इस पे बेस्ट देना है, पर ये ऐसा नहीं मार रहा था कि ये उसका डेली रूटीन जैसा वो नहीं मार रहा था। उसने 4 महीना जो प्रोग्राम किया, 4 महीना जो उसने ये किया, उसमें उसका से मतलब मेन मतलब क्या था, तेरे को ऐसा मारना है कि तेरे लिए कुछ नहीं है, डेली बेसिस करके ऐसा मारना है। उसने फॉर्म चेंज कर दिया, एक तो लेग जो स्ट्रेच करता है बार पकड़ के, अपन जो लेग ये करते हिप डाउन करके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते, वो बहुत किया। पहली बात मैंने जो देखा वो बहुत किया, वो करने के बाद भी वो हिप उठा रहा था थोड़ा और ऊपर से नहीं उठा रहा था, उसमें गया और ऊपर से उसका माइंडसेट, मेरा ये हुआ मेरा वो हुआ मेरा बॉडी वार्म नहीं है, बॉडी ठंडा पड़ रहा है। वो उस दिन उसने 200 लिया, जैसे मैंने देखा उस दिन 200 लिया ना, उस दिन ऐसा मारा ना उसने कि इसको 220 जाएगा, ऐसा मारा उसने, पर आज क्या हुआ उसको पता नहीं। अभी जैसे रोहन ने बोला तो काफ़ी ज़्यादा सब मतलब जो भी फैक्टर्स है वो मैटर करते हैं। अगर आपका बॉडी वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जैसे आपको चाहिए, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो या फिर किसी भी तरह से, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन अनटिल एंड अनलेस, अभी समझो आपको डेड लेना है लेकिन आपका लोअर बैक ही काम से गया है, तो डजंट मेक एनी सेंस, आप उठा ही नहीं पाओगे। भाई तेरे को पूरा प्रोग्राम में वही सिखाया गया है, तेरा बॉडी सोर रहेगा तो तेरे को वर्कआउट कैसा करना है। तो हर एक का ओपिनियन कुटे तिकड़े घेऊन चालला है तो हर एक का ओपिनियन अलग अलग होगा, बट अभी भी टाइम है, मतलब नेक्स्ट वीक में है मेरा PR एंड ऑल, तो अभी और 2 दिन बाकी है, आई विल गिव 100%। अभी कल तो रेस्ट रहेगा, उसके बाद 2 दिन कंटिन्यू रहूँगा, फिर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे काम है, इस वजह से जिम भी नहीं आ पाऊँगा। कोई दिन अच्छा होता है कोई दिन बुरा होता है, तो अगर तो कोई दिन अच्छा जा रहा है सो जो भी मैटर करता है वो डिसिप्लिन, बस डिसिप्लिन जो तेरे में नहीं था डिसिप्लिन। अब क्या मुझे तो ऐसा लगा मैं हूँ डिसिप्लिन, क्योंकि आई एम गिविंग माई 100% इन एवरी सेट इन एवरी रेप। डिसिप्लिन है पर तू एक्सक्यूजेस बहुत दे रहा था, मेरा ये हुआ वो हुआ, खाना खाया ये किया वो किया, समझा। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होना है पहले, सबसे पहले, फिर बाद में फिजिकली प्रिपेयर होना है उस लिफ्ट के लिए। तो अभी ये सब बात तो मतलब ये सब अभी हो गया है, तो इसके ऊपर बात करके डजंट मेक एनी सेंस। मैटर ये करते हैं कि आगे क्या फ्यूचर क्या, नेक्स्ट वीक मैटर करेगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इसको एक ही दिन में SBD तीनों PR लेना है, वो भी 9 अटेम्प्ट है, और उसमें भी जो लास्ट वाला अटेम्प्ट होगा वो होगा मेरा डेड। तो देखते मतलब बेंच के 3 अटेम्प्ट, डेड के 3 अटेम्प्ट, बेंच अपना सॉरी स्क्वाड के 3 अटेम्प्ट, उसमें भी इसको PR नहीं लेना, जो लास्ट सेट होगा वो इसका PR होगा, लास्ट या सेकेंड सेट ऐसा, मतलब एज अ कॉम्पिटिशन वो ये करेगा। बेंच में तो इतना कोई दिक्कत नहीं देता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था दोनों एल्बो दुख रहा है, लेकिन अभी वैसा कुछ मेरे को महसूस नहीं हुआ। मैं 100 जो था मेरा, ठीक है 100, मैं आपको मेरा पहला वाला क्लिप अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कहाँ पे, तो लिटरली मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वो चीज़ को लेके 100 को, लेकिन अभी मैं विदाउट रिस्ट बैंड या फिर विदाउट एनी स्ट्रगल मार रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ होगा, धीरे धीरे, ठीक है, स्लो प्रोग्रेस मेक सेंस। ये हिसाब से आज इसने मारा ना, मेरा 200 का है ये, तो कुछ नहीं, आज भी 200 जाएगा, इस हिसाब से मारा इसने। क्योंकि मेरे इसमें ऐसा हुआ है कि जब भी मैं पहले वाले जिम में भी था ना, तभी मेरा लाइक जो वन, और उस दिन इसने 200 ना टाइम पास में मारा था, माइंडसेट में कुछ नहीं था, इसने ये हो रहा है मेरा वो हो रहा है करके वो सोच के नहीं मारा, मारना है करके मारा, इसके लिए उस दिन उसका गया। आज इसने बहुत एक्सक्यूजेस दिए, मारना है करके मारा नहीं इसने, मेरा लास्ट वीक है मेरे को मारना है ये है करके उसके वो हिसाब से मारा इसने आज। उस टाइम भी ऐसा था कि चलो 200 है ले लेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा वो हो गया था जो 180 था वो हो गया था। अब मेरे इसमें ऐसा हुआ है, अभी समझो मैंने आज 180 लिया है मेरा PR, मैं उसको आगे जाके ले रहा हूँ ना, तो मेरा वो जाता ही नहीं है, ठीक है, किसी किसी का जाता है किसी किसी का नहीं, मेरे इसमें पर्सनली ऐसा है कि बेंच वो जाता ही नहीं है, मतलब आज ले रहा हूँ ना मैं उसको एक हफ्ते, हाँ, और 200 के टाइम भी था, ठीक है, पेट में मतलब भूख लगा था, प्लस मेंटली प्रिपेयर वगैरह कुछ नहीं, ऐसा था कि चलो मार लेते देखते क्या होता है। 2 दिन है बक्चा देवी ने, अभी देखते कैसे जाता है, बाकी के 2 दिन में कुछ PR वगैरह कुछ है नहीं, सुन जाएगा जरूर जरूर।
और आज 205 ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही हैवी है, लाइक बार मेरे से हिला भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।